आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th साइंस वालों का सब्जेक्ट बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम से पहले इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लें और हो सके तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को जानने से पहले वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आप हमारे स्क्रीन पर देखें। देखिए दोस्तों, दिया गया है कि मूल एवं तना शीर्षस्थ में पाए जाने वाला उत्तक है। इसका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कोशिका भित्ति से होकर जल का गमन कहलाता है। तो जल का गमन क्या कहलाता है? एपोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही एवं सटीक आंसर होगा। अगला है कि पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं दोस्तों? यह क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया था, क्योंकि ब्रायोफाटा जो है पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सी फोर चक्र, ध्यान देंगे यहाँ पे सी चक्र नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कह रहा है सी फोर चक्र, ध्यान देंगे सी फोर चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैच एवं स्लैक चक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव पेशी कोशिकाओं में अवायवी शोषण द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद है। तो अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी इसका जो है सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अस्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने में, ऑप्शन नंबर जो है यह हो जाएगा ए, ठीक है, यानी सुगर कैन में जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रक विभाजन का तात्पर्य है। तो दोस्तों, मैंने आपको कई बार आपको बताया था न्यूक्लियर डिवीजन का के बारे में, और उसका जो तात्पर्य क्या होता है, उससे हम लोग क्या समझते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। देखिए, केंद्रक विभाजन का मतलब हो गया केंद्र का विभाजन होना है, केंद्र का डिवीजन होना, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि केंद्र एक होता है, फिर दो हो जाता है, फिर दो के चार हो जाता है, चार के बाद 16, 16 के बाद 32, इस प्रकार से जो है कोशिका का यानी केंद्र का डिवीजन होता है, ठीक है। उसकी जो प्रक्रिया है ना, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे केंद्रक विभाजन पूछा गया, केंद्रक विभाजन का तात्पर्य, तो आपको आंसर देना है कि केंद्रक का विभाजन, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन कई बार मैंने आपको बताया था, इंसुलिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि पादपों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण होता है। आपने देखा होगा कि पादपों में यानी कि पौधों में जो है हरे पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण से जो है पत्तियां हरा होती है, ठीक है, हरे रंग की दिखाई देती है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं रहे तो वो क्या हो जाएगा? पीला दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पादपों में हरे रंग किसमें किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कहता है कि हाइड्रोपोबिक है, तो हाइड्रोपोबिक क्या है? सभी पोषक तत्व सहित घोल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि आवर्त बीजियों में प्रजनन की इकाई, तो इसका आंसर आएगा पुष्प, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि केब्र चक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं TCA चक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इसका यानी ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है RUBP है, तो RUBP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो RUBP का फुल फॉर्म होता है क्या? देखिए, रूबी लॉस बी पोस्फेट, ठीक है, या पास फास्फोट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए और इसको कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, कहीं पे लिख लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए चार पांच को जो है ना आपका फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। DNA का फुल फॉर्म, RNA का फुल फॉर्म, ठीक है, और RUBP का फुल फॉर्म, BP का फुल फॉर्म, ये सभी जो है ना इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर दिया गया है कि लाइकेन के सवालीय अंग है, तो सवालीय अंग लाइकेन का पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा फाइकोबायोट, ठीक है, फाइकोबायोट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सेंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द्वार कोशिका मदद करती है, तो द्वार कोशिका मदद क्या करती है बच्चों? मैंने आपको कई बार बताया था कि यह जो है वाष्प उत्सर्जन में मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि सहचर कोशिकाएं किन से सटी रहती है, तो सहचर कोशिकाएं जो है चालिनी नली से जो है सटी रहती है, तो याद रखेंगे चालिनी नली, ठीक है।
जिसको आप लोग जो है कहते हैं, जैसे कि छननी जिसको हम कहते हैं ना, हमारे अंदर जो है हमारे शरीर में जो है चलनी नली होती है, जिससे सटा हुआ जो है एक सचर कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो कि चलने के बाद उसको जो है सानने का काम करती है, वो जो है पूरे बॉडी पे पहुंचाता है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर दिया गया है, कहता है कि फाइटोक्रोम उत्तरदायी है, तो फाइटोक्रोम जो है ये बीज अंकुरण के लिए उत्तरदायी होता है और फूल खिलने के लिए जो उत्तरदायी होता है, अगर फाइटोक्रोम नहीं हो तो बीज अंकुरित नहीं होगा और ना ही वहां पर आपको जो है फूल खिलेगा। तो इसको दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए उत्तरदायी है, यानी कि बीज अंकुरित के लिए भी और फूल खिलने के लिए भी, ठीक है, तो फाइटोक्रोम इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों दिया गया है कि लब एवं डब ध्वनि है, तो लब एवं डब ध्वनि जो है ये क्या है, हृदय की है, लब डब जो है हृदय हमारा जो है बोलता है, जिस तरह से हम धड़कन का आवाज जैसे निकाल के बात को बताता है ऐसे होता है, इसी तरह से होता है लब और डब, ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है हृदय की आवाजों को सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया है कि मानव में रक्त समूह के प्रकार है, तो मानव में रक्त समूह क्या होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है, ठीक है, तो आप लोगों क्या चार ग्रुप ना होता है, चार ग्रुप में जो है हमारे मानव का जो है ब्लड जो होता है समूह में होता है, चार ग्रुप में, चार समूह में होता है, ए बी और ओ होता है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है उपानित्व भवन है, तो उपानित्व भवन क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइकाइनिशियल में, देखिए डाइकाइनिशियल में, ठीक, इसको याद रखें। अगला प्रश्न दिया गया कि श्वसन का परिणाम है, तो श्वसन का परिणाम क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ठीक है, ये होता है। देखिए श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन को, देखिए जितने भी वातावरण से हम हवा को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है हमारे शरीर के हर एक अंग पर जो है फेफड़े के द्वारा, रुधिर के द्वारा, धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन जब हम बाहर हवा को छोड़ते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो कि हमारे श्वास के ये मुख्य परिणाम है, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि DCT है, तो DCT क्या है बच्चों, तो इसका आंसर होगा डिस्टल कॉन्वोलेटिन ट्यूबल्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि विषाणु है, तो विषाणु क्या एक कोशिकीय है, विषाणु क्या है एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है इनमें से कौन बहुकेंद्रिकीय है, तो बहुकेंद्रिकीय क्या हो जाएगा बस, तो आरेखीय, ठीक है, आरेखीय क्या है, एक बहुकेंद्रिकीय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है, यानी कि पावर हाउस कहलाता है, मैंने कई बार आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न दिया है कि रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं, तो किसको रखे जाते हैं, तो देखिए लुप्त प्राय प्रजाति को रखा जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि थायरिक्सिन स्रावित होता है, थायरिक्सिन किस में स्रावित होता है दोस्तों, एड्रिनल में जो है स्रावित होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि खुला संचार यंत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तिलचट्टे में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कुहली का जोड़ किसका उदाहरण है, तो कोहली का जोड़ जो है वो हिज जोड़ का जो है उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे हिज जोड़, ठीक है। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो बच्चों इसका आंसर लगा सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क यानी कि हमारे माइंड का जो है सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जल संवहन प्रणाली निम्नलिखित में से किसका गुण है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इकाइनोडर्माटा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि लार का पीएच है, तो लार का पीएच मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6.8 होता है, तो आप इसको यहाँ पे याद कर लीजिए, ऑप्शन सी ए जो है इसका सटीक आंसर होगा, लार का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 6.8 होता है। अगला सवाल दिया कि वसा का साधारण रूप है, तो वसा का साधारण रूप क्या है, वह दोस्तों वसी अम्ल है, ठीक है, वसा का क्या साधारण रूप, वसी अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए मैंने पहले भी कहा था कि आरएनए और डीएनए से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसको आप लोगों को रट लेना है, तो देखिए यहां पे प्रश्न दिया गया है कि डीएनए और आरएनए में किससे होने के कारण भिन्न है, यानी किसके होने के कारण जो है भिन्न है, तो लिखना आपको थायमिन, याद रखना है थायमिन, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है छोटी आंत में होता है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के टोटल जो है आप लोगों को सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन सभी को एग्जाम से पहले अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो में आप लोगों को आर्ट्स कॉमर्स साइंस वालों का सभी का मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उन सभी को आप लोगों को अंत तक देखना है और उससे रिलेटेड सभी को तैयार कर लेना है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है, ठीक है। और बच्चों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।